भिवंडी महानगर पालिका स्थायी समिति की आज हुई बैठक में 105 उर्दू टीचरों के तबादले पर जबरदस्त बहस हुई, जिस पर प्रशासन कोई जवाब नहीं दे सका। इस मामले को लेकर नाराज स्थायी सभापति और समिति सदस्यों ने हुए और होने वाले तबादले को रद्द कर उसे असंवैधानिक बताते हुए इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और 2019 से लेकर अब तक तबादला पाने वाले टीचरों को वापस लाने का प्रस्ताव मंजूर किया है। स्थायी समिति सदस्य अरुण राउत, प्रशांत लाड़, हलीम अंसारी ने इस मामले पर जबरदस्त चर्चा किया। ट्रांसफर हो चुके लगभग 30 उर्दू टीचरों को वापस लाने का प्रस्ताव मंजूर करते हुए इस मामले पर उच्च स्तरीय जांच करने का ठहराव मंजूर किया है। स्थायी समिति के इस फैसले से शिक्षण विभाग और दूसरे जिले स्थानांतरित हो चुके शिक्षकों और जाने वाले इच्छुकों को तगड़ा झटका लगा है। दैनिक उर्दू टाइम्स शिक्षण मंडल द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार की खबरें प्रकाशित कर शहर के महानगर पालिका संचालित उर्दू प्राथमिक विद्यालयों को बचाने की मुहिम शुरू किए हुए हैं। वन रूम वन टीचर का फार्मूला व जीआर की पुड़िया शहर भर में घूमकर बांटने वाले कुछ कथित झोलर और फोकट को मिलत को बीमार करने का ठेका लेने वाले झोलर टाइप लीडर टीचरों की स्थायी समिति के इस फैसले से जबरदस्त झटका लगा है और अब इनकी दुकान लगभग बंद हो गई है। सूत्रों की माने तो साठ गांठ कर तबादले की सुपारी लेने वाले टीचर भूमिगत भी हो गए हैं, जबकि उर्दू टाइम्स ने 26 अगस्त को वन क्लास रूम वन टीचर के जीआर का और टीचरों की संख्या और पढ़ने वाले बच्चों की संख्या का पर्दाफाश किया था। बताइए, देखो एक तो हर स्कूल में शिक्षक ऑलरेडी कम है और कम होते हुए हम बार बार उनको शिक्षक कम होने की उनको डिमांड भी करते कि आप शिक्षक कम है स्कूलों में तो स्कूल उनकी शिक्षक की भर्ती करो या भर्ती करके स्कूलों में कमतरता जो पूरी हो जाए। मगर कल तो इनका ऐसा धक्कादायक हमारे सामने बात आई कि इन्होंने एक तो उनके पेपर ही मेरे पास है, ये 2018 में उनकी प्रशासन अधिकारी ने ऐसा एक टिप्पणी की है, क्या इसमें ये भी मांग किया है कि हमको ऑलरेडी 100 पद रिक्त है, मतलब 100 पद हमको भरना है शिक्षकों के, और 2019 में ये लोग से आज तक कम से कम दर्जनों शिक्षकों की जिला बदली की है, यहां से जिला बदली की है लोगों ने, और उसमें माननीय आयुक्त का कोई भी मान्यता नहीं है। हर 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 बार जो जो इन्होंने भेजा है, समझो 2019 में है कुछ 2019 से बहुत से ज्यादा ही है इन्होंने, मगर इसमें कमिश्नर साहब का एक भी मान्यता ये लोग ने लिया नहीं है और परस्पर ये लोग उनके अधिकार में किए हैं। इसका मतलब इसमें बहुत सा भ्रष्टाचार हुआ है और इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोला है लोगों ने, क्या किसी की जिला बदली करो पैसा लो, ये सब ये धंधा ये लोगों ने किया है। तो हमने कल वही स्टैंडिंग स्थायी समिति की मीटिंग में ये मुद्दा उठा के ये जितने भी जिला बदली हुई है उनको वापस से अपने शिक्षण मंडल में लाके जो शिक्षकों की कमी है वो पूरी करें, इसके लिए हमने कल ठहराव लिया इसके बारे में। तो जो लोगों की पहले बदली हो चुकी है उनका अब क्या होगा? नहीं, जो लोग गलत तरीके से बदली हुई है, जो कमिश्नर की मान्यता नहीं है और ऑलरेडी शिक्षक कम है, वो बेकायदे से जो बदली है उसके ऊपर हमने ठहराव लिया है कि इसको जो जो बेकायदे से बदली किया है वो जो भी अधिकारी है उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए और जो जिला बदली हुई है जो शिक्षक को वो फिर से यहाँ पे मंगाया जाए, ऐसा ठहराव हमने किया है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें।